हैं पार्ट थ्री प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 11th बायोलॉजी से, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तीन टर्म्स यहाँ पे लिखी हैं। द सेल्स डिराइव फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम्स एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। वो कह रहा है कि जो सेल्स कहाँ से मिलते हैं, रूट एपिकल या फिर शूट एपिकल मेरिस्टम से मिलते हैं, और जो कैम्बियम में होते हैं, और जो कैम्बियम है वो डिफरेंशिएट होती है, मिच्योर होती है, ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें। वो ऐसे कहीं पे भी फंक्शन स्टार्ट नहीं होते हैं, वो देख के अकॉर्डिंगली फंक्शन स्टार्ट होते हैं। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। जो ये एक्ट होता है जिसकी वजह से मैच्योरेशन होता है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। During differentiation, cell undergo few to major structural changes both in their cell wall and protoplasm. Differentiation में होता क्या है, जब हम बात करते हैं differentiation की, मतलब कि जो cell है उसके अंदर कुछ changes आएंगे, कुछ structural changes उसके structure में changes आएंगे, कुछ उसकी cell wall में changes आएंगे, and उसके protoplasm में changes आएंगे, ठीक है। जैसे कि to form a trichary element, the cell would lose their protoplasm। जैसे कि ट्रैकरी एलिमेंट बनाने के लिए जो सेल है उसका प्रोटोप्लाज्मा खत्म हो जाएगा। दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिंगो सेल्युलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल्स टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। वो कह रहा है कि वो क्या बनाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलास्टिक सेल वॉल बना लेगा, एक सेकेंडरी सेल वॉल बना लेगा, जो क्या करेगी, वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस में लेके जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिखा है अगर टेंशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम प्रेशर है, उसके बाद भी ये काम करेगी। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब है सेल डिवाइड होके अपने अकॉर्डिंग वर्क करे। ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर्स यू एनकाउंटर इन प्लांट टू द फंक्शन दे परफॉर्म। अब वो कह रहा है कि जो फीचर्स, जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं प्लांट में, उसको कोरिलेट कीजिए। किससे उसको कोरिलेट कीजिए, कि वो किस वो क्या फंक्शन करते हैं उससे, ठीक है। मतलब आप दो चीज़ों को कोरिलेट करेंगे, आप फीचर्स देखेंगे, एनाटॉमिकल फीचर ये ऐसा दिखने में है, और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उससे। प्लांट शोज अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना। प्लांट एक और चीज़ दिखाता है बहुत ही इंटरेस्टिंग। द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन। यानी जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना दिखाता है। क्या फिनोमिना वो दिखाता है, जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, यानी जो सेल्स हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, वो अब अपने डिवाइड करने की कैपेसिटी ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। कौन से सेल, जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड हैं, ठीक है, वो अब डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ केसेस में अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को दोबारा गेन कर सकते हैं। दे कैन गेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड अगैन एंड दिस फिनोमिना, जब वो दोबारा से तैयार हो जाते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, इसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम इंटर फेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल। यानी यहाँ पे उसने बोला कि मेरिस्टेम बनता है, एग्जाम्पल भी दिया है किसका, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, जो किसमें से बनता है, पेरेन्काइमा सेल से बनता है। उसके बाद उसने बोला वाइल डूइंग सो सच मेरिस्टेम टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन दैट गेट्स री डिफरेंशिएटेड। यहाँ पे उसने बोला जब ऐसा होता है, सच मेरिस्टेम टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पे सेल डिवाइड कर रहा था, उसके बाद वो ऐसा सेल प्रोड्यूस करता है जो अगेन अपनी कैपेसिटी ख़त्म कर देता है डिवाइड होने की, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन दोबारा से मैच्योर हो सकता है, इसको बोलते हैं मैच्योर होके वो फंक्शन कर सकता है, इसको बोलते हैं हम री डिफरेंशिएशन। एक हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, एक हमने डी डिफरेंशिएशन पढ़ा कि जो लूज कर चुका कैपेसिटी वो दोबारा गेन कर रहा है, फिर हमने री डिफरेंशिएशन पढ़ा। उसके बाद लिखा है लिस्ट सम ऑफ द टिश्यूज इन अ वुडी डाइकोटिलेडन्स प्लांट दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ री डिफरेंशिएशन। कुछ ऐसे प्लांट टिश्यूज बताइए किसमें, एक वुडी डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स के अंदर, जो री डिफरेंशिएशन की वजह से बनते हैं। वो कह रहा है कि आप ट्यूमर को कैसे डिवाइड करेंगे।
What would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory condition during plant tissue culture? आप उस सेल को क्या बोलेंगे जो एक प्रॉपर कंडीशन में डेवलप हुआ है, जो एक प्रॉपर लेबोरेटरी कंडीशन में बना है. रिकॉल इन सेक्शन 15.1.1 वी हैव मेंशन दैट द ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन. मतलब हमने वहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी कि जो ग्रोथ होती है प्लांट में वो ओपन होती है. इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट. मतलब कि वो इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है, हो सकता है लिमिटेड हो सकता है, इनडिटर्मिनेट हो. Now we say that even differentiation in plant is open, यानी जो differentiation है plants के अंदर वो भी open है. Because cells tissue arising out of the same meristem have different structures and maturity. क्योंकि जो cells या tissue same meristem से आ रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह से वो grow हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनका structure जो maturity पे हो, बड़ा होने पे जो उनका structure है वो अलग हो. The final structure at maturity of a cell tissue is also determined by the location of the cell within. अब जो final structure आएगा कि इसका structure कैसा होगा maturity पे, वो कैसे पता चलेगा? Location of the cell within, जो cell है उसकी location से. For example, cell position away from root apical meristems differentiate as root cap cells while those pushed to the periphery matures epidermis. देखिए, सेल की लोकेशन से बहुत चीज़ें डिसाइड होती है. हमने बोला कि एक ही मेरिस्टम से सेल बना, लेकिन वो अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है. वो यह समझा रहा है कि सेल जो पोजिशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम, जो रूट से थोड़ा अलग चला गया, वो रूट कैप सेल बन गया. ठीक है, एकदम एपिकल से थोड़ा सा दूर चला गया, वो रूट कैप सेल बन गया. लेकिन जो पेरिफेरी पे पहुंच गया था, थोड़ा कोने में पहुंच गया था, वो एपिडर्मिस बन गया. तो मतलब सेल के लोकेशन से, सेल के मूव करने से कि वो कहाँ गया, उसकी लोकेशन से स्ट्रक्चर चेंज हो गया. Can you add a few more examples of open differentiation correlating the position of a cell to its position in an organ? यानी जहाँ पे सेल ओपन है कि वो कहाँ जाएगा, कहाँ पे जाके वो नया ऑर्गन नया पार्ट बनाएगा, तो वो आप कह रहे हैं कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसा किसी का. Development. Development is a term that includes all changes that an organism goes through during its life cycle from germination of seed to senescence. Development कह रहा है कि वो एक ऐसी term है जिसमें सारे changes include हो जाते हैं. उसके अंदर वो सारे changes आते हैं जो एक organisms में होते हैं जब उसकी life cycle चलती है. Life cycle मतलब from germination, जब से वो start हुआ उगना उपजना, तब से लेके senescence तक, मतलब जब तक वो पेड़ मर नहीं जाता या पौधा मर नहीं जाता, तब तक जो भी changes उसके उसमें आते हैं, टोटल ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस विच कॉन्स्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ सेल ऑफ अ हायर प्लांट इज गिवन इन फिगर 15.8. इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू टिश्यूज एंड ऑर्गन. अब वो रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की क्या क्या सीक्वेंस होता है, वो दिखाया गया है. ऑल्सो ये सेम जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज सेम फॉर द टिश्यूज एंड ऑर्गन. नाउ मेरिस्टमेटिक सेल्स दिखाए हैं, प्लास्मेटिक ग्रोथ होती है, डिफ्रेंसिएशन होता है, फिर सेल मेच्योर सेल में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, मतलब वो मेच्योर हो गए. ऑल्सो जब डिफ्रेंसिएशन होता है, उस बीच पे इलोंगेशन भी होता है, सेल्स बढ़ते भी हैं, उसमें भी क्या होता है, मेच्योरेशन हुआ है. ठीक है, और अगर प्लास्मेटिक ग्रोथ हो गई, सेल डिविजन हुआ, तो दोबारा मेरिस्टमेटिक सेल बन जाता है. फाइनली मेच्योर सेल के बाद क्या फेज आता है, सेनेसेंस, मतलब ओल्ड एज, एंड उसके बाद डेथ. ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो प्लांट्स होते हैं, दे फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. यानी प्लांट्स अलग अलग पाथवे फॉलो करते हैं, किसके रिस्पॉन्स में, इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में, या जो फेजेस हैं लाइफ के उसके रिस्पॉन्स में. ठीक है, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स के रिस्पॉन्स में. इस एबिलिटी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी. ठीक है, यानी कि जो उसके आसपास का इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी सारे डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं, अलग पाथवे फॉलो करते हैं, प्लस वो अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मेच्योर प्लांट्स. यहाँ पे इन इन प्लांट्स में जो प्लास्टिसिटी फॉलो करते हैं, एग्जाम्पल भी दे रखा है, हेट्रोवेली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पूर. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लीव्स हैं जुवेनाइल प्लांट में, ठीक है, जुवेनाइल मतलब जब वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, वो डिफरेंट होती हैं उनसे जो मेच्योर फेज में है. मेच्योर प्लांट एक ही होते हैं, एकदम स्टार्ट हुआ है, फिर जुवेनाइल आता है, ठीक है, उसके बाद एकदम मेच्योर जो ग्रोथ हो चुकी है, और फाइनल सेनेसेंस आता है. तो जो जुवेनाइल प्लांट हैं वो थोड़े से शेप में अलग होते हैं मेच्योर से,
ठीक है. उसके बाद बोला है ऑन द अदर हैंड डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस इन वाटर इन बटरकप ऑल्सो रिप्रेजेंट द हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंट. उनके इन्वायरमेंट की वजह से उनकी शेप में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. ठीक है, उसने क्या बोला, शेप्स ऑफ लीव्स एयर में जो हैं और जो वाटर में है उस पर भी बहुत डिपेंडेंट होती हैं, उसकी वजह से भी बहुत अलग होती हैं. दिस फिनोमिना ऑफ हेट्रोफाइलल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी. हेट्रोफाइलल मतलब अलग अलग शेप. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे दिया उसने, कोरिएंडर का भी दे दिया आपको एग्जाम्पल उसने, और लार्कस्पुर का भी दे दिया, बटर कप का भी दे दिया. तो वो कह रहा है इसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं जब ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स की वजह से शेप अलग होती है. नाउ दस ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. जो ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन होती है, ठीक है, ग्रोथ होती है, डिफ्रेंसिएशन जो होता है, और जो फाइनली डेवलपमेंट होती है, वो आपस में बहुत रिलेटेड इवेंट्स होते हैं. ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन. जब मैं बात करती हूँ डेवलपमेंट की, तो मतलब डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा, ग्रोथ का और डिफ्रेंसिएशन का सम, मतलब उसमें ग्रोथ भी होगी डिफ्रेंसिएशन भी होगी, जब दोनों चीज़ें साथ में होंगी तब मैं उसको बोलूँगी डेवलपमेंट. ये चैप्टर के स्टार्टिंग की लाइन में भी था. ठीक है, और डेवलपमेंट इन प्लांट जैसे कि बोथ ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन दोनों पार्ट किसके कंट्रोल में होते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर. उसके अलावा लिखा है कि द फॉर्मर इंक्लूड बोथ इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर फैक्टर्स, यानी कि जो आपके इंट्रेंसिक होते हैं उसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं और केमिकल वगैरह भी आते हैं, या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी आते हैं जो प्लांट के अंदर रिलीज होते हैं, और जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर बाहर के फैक्टर, इन्वायरमेंट के फैक्टर जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट आते हैं. तो ये था पार्ट 3 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 11 बायोलॉजी का. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर आपको इस चैप्टर के और पार्ट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए. एंड 11th एंड 12th के बायोलॉजी के और चैप्टर्स देखने के लिए मेरे चैनल पे 11th 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए. थैंक यू सो मच. इंडियन स्टडी यूट्यूबर.